मध्य प्रदेश में उपचुनाव आते ही कमलनाथ शिवराज एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लगा रहे हैं। शिवराज और कमलनाथ दोनों ही जमकर प्रचार में लगे हुए हैं। दोनों ही अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की जमकर तारीफ कर रहे हैं। इसी बीच कमलनाथ ने शिवराज को अपने 15 महीने के कार्यकाल का पूरा हिसाब किताब दिया। कमलनाथ ने प्रचार के दौरान कहा, शिवराज सिंह मुझसे 15 महीने का हिसाब मांगते हैं, मैं देने को तैयार हूं। शिवराज ने हमें क्या दिया? किसानों की आत्महत्या में नंबर वन, बेरोजगारी में नंबर वन, महिला उत्पीड़न में नंबर वन, भ्रष्टाचार में नंबर वन, और शिवराज जी मुझसे 15 महीने का कार्यकाल का हिसाब मांगते हैं। कमलनाथ ने आगे कहा, आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती नौजवानों की है। कमलनाथ ने कहा कि नौजवान, याद रखो, आप ही मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे और आप ही भविष्य हैं। किसानों की आय दुगनी करने और 15 लाख देने के वादे के साथ सत्ता में आए लोगों ध्यान मोड़ने लगे हैं। बता दें, कमलनाथ शिवराज पर जमकर आरोप बरसाए। कमलनाथ ने कहा, अब शिवराज ना नौजवान की बात करते हैं ना किसानों की बात करते हैं। जिस बीजेपी में एक भी स्वतंत्रता सेनानी नहीं है, वह कांग्रेस को राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाने चली है। कमलनाथ ने आगे कहा, चुनाव सरकार को संदेश देने वाला चुनाव है। इस चुनाव में हम सरकार की आंखें खोलने का काम करेंगे। हमने 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली प्रदान की, किसानों को आधी दर पर बिजली दी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाई, हमने किसानों का कर्ज माफ किया, हमने 1000 गौशालाओं का काम शुरू करवाया, हमने पिछड़े वर्ग के आरक्षण को बढ़ाया। बता दें कि रैगांव उपचुनाव में कांग्रेस ने कल्पना वर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। कमलनाथ उसी सभा को संबोधित कर रहे थे।